बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदीद करती हूँ आप सबका हुसैनी पब्लिक हाई स्कूल श्रीनगर में। मैं आपकी उर्दू मुअल्लिमा आज शिशम क्लास के टर्म दूम का दूसरा मौजू पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बुर्जा हवा। सबसे पहले बच्चों, मैंने आपको उस दिन भी कहा कि जो हमारा मौजू होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है ये मौजू क्या है। तो जो आज का मौजू है बुर्जहामा, हमें सबसे पहले जानना है जो बुर्जहामा ये क्या है। ये एक जगह है, बुर्जहामा जो है ये एक जगह है कश्मीर में। तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है। बुर्जहामा कश्मीरी के दो अल्फाज पर मुरक्कब है। पहला है बुर्ज, बुर्ज मतलब हो गया, बुर्ज के माने हो गए भोज, और हामा का मतलब हो गया रहने की जगह। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम क्या बोल रही है हमें भोज ये क्या है। तो बच्चों, जो ये बुर्जहामा जगह है, यहाँ पर भोज पत्र के जो दरख्त थे वो बहुत ज्यादा पाए जाते थे। तो इस वजह से, मेरा ख्याल है इस वजह से इस जगह का नाम बुर्जहामा पड़ा होगा। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। बुर्जहामा कश्मीर की एक ऐसी जगह है जिसके साथ कश्मीर की 5000 साल पुरानी हिस्ट्री या तारीख वाबस्ता है। बच्चों, जो बुर्जहामा है ये श्रीनगर से 20 किलोमीटर की दूरी पर शुमाल की तरफ एक ऊंची सतह पर वाका है। माहिरीन के अंदाजे से पता चलता है, माहिरीन किसको बोलते हैं, जानकारी रखने वालों को, जानने वालों को, उनके अंदाजे से ये पता चलता है कि वहां पर जो पत्थर मिले हैं वो कदीम जमाने की, ऐसा लगता है जैसे वहां पर कदीम जमाने की बस्ती आबाद रही है। तारीखी आसार का मुहाफिज महकमा जो है, उन्होंने जब बुर्जहामा की जमीन की खुदाई की तो वहां पर उनको ऐसे ऐसे आसार मिले, ऐसे ऐसे आसार दरियाफ्त हुए जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ पर कदीम जमाने के जो लोग थे उनकी बस्ती यहाँ पर आबाद थी। बच्चों, आप लोग जानते हो कि कदीम जमाना था, पुराने जमाना, मतलब जो ये पुराना जमाना था उस जमाने में जो लोग होते थे, इसके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा है। लेकिन जो कश्मीर है, कश्मीर के जो लोग हैं, आखिर ये भी हमारे भी जो बुजुर्ग थे वो भी कदीम जमाने में थे, लेकिन कश्मीर के किस इलाके में ये इनकी बस्ती थी? इनकी बस्ती थी बुर्जहामा में। ठीक है बच्चों, तो जो ये कदीम जमाने का ये जो बस्ती मिली हमें, इनके आसार से क्या पता चलता है? लोगों के रहन सहन का पता चलता है, खुराक का पता चलता है और मकान का पता चलता है कि ये लोग रहते कैसे थे, खाते क्या थे और इनका घर वगैरह वो कैसा था। और ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये पत्थर के जमाने से मिलते जुलते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो ये बुर्जहामा के लोग थे ये रहते थे, पता है कहाँ? ये रहते थे गड़े नुमा गारों में। गार पता है ना, जमीन के अंदर जो गार बनाते हैं, उन गारों में रहते थे जो के 3 से 4 मीटर गहरे थे और 4 से 5 मीटर चौड़े थे। ठीक है, और बुर्जहामा के जो ये गार थे, इन्होंने, मतलब जो ये लोग थे उस टाइम के, कदीम जमाने के वक्त के जो ये लोग थे, ये सर्दी और गर्मी से बचने के लिए और अपने इन गारों को, यानी कि अपने घरों को, इन बेचारों के घर होते थे ये गार, इनको बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए इन्होंने एक छत बनाई थी जो कि भोज पत्र की बनी हुई थी। तो बच्चों, मैंने आपसे पहले ही कहा कि भोज पत्र जो था, भोज पत्र क्या होता है? भोज पत्र दरख्त थे जो कि वहां पर पाए जाते थे बुर्जहामा में। तो बुर्जहामा के लोगों ने वहां पर जो अपने गारों की जो छत बनाई थी वो भोज पत्र की बनाई थी। ठीक है, आया समझ बच्चों? और वहां पर हमें क्या मिला, उन्होंने जब वो मतलब वहां पर आसार उनको जब दरियाफ्त हुए, एक और आसार दरियाफ्त हुआ जो कि उनको वहां पर कोयला और राख मिला, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो कदीम जमाने के ये जो हमारे बुजुर्ग थे वहां पर, जो ये लोग थे, इसका मतलब ये चूल्हा जलाते थे क्योंकि वहां कोयले मिले, राख मिले। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये लोग अपना खाना पीना, खाना पकाने के लिए और
सर्दी से बचने के लिए चूल्हा वगैरह भी जलाते थे। और वहां पर हमें उनको, उन लोगों को जो वहां पर तहकीकात करते थे, वहां पर उनको ये कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग अपने खाने पीने में इन मिट्टी के जो बर्तन थे इनका इस्तेमाल करते थे। बच्चों, आसारे दरियाफ्त से वहां ये भी पता चला कि वहां से कुछ हड्डियों के हथियार मिले, जैसे कि मछली के कांटे मिले, शिकार करने का हथियार मिला। तो बच्चों, इस चीज से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उस जमाने के लोग थे, वहां पर एक तरफ जंगल था और एक तरफ तालाब था, तो वहां के लोग क्या करते थे, जो मछली का कांटा था उससे तो वो जरूर मछलियां पकड़ रहे होते, और जो जंगल, जो शिकार करने का हथियार था उससे जंगल से वो शिकार करते थे और फिर वो गोश्त वगैरह खाते थे। और उनको वहां से सुई मिली, चाकू मिला, आरी मिली, ये सारे हथियार इनको वहां से मिले। ठीक है बच्चों, तो एक वहां पर ये हमवार मिट्टी के कुछ बर्तन मिले, उनमें से एक बर्तन ऐसा था जिसका रंग सुर्ख था और उस पर 950 नगीने लगे हुए थे। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या बता रही हूँ? आप अपनी किताब खोल के भी देख सकते हैं, और कुछ बातें किताब में नहीं लिखी हैं जो मैं आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बता रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो और एक चीज का अंदाजा लगाया वहां जाकर कि ये जो कदीम जमाने के लोग थे, इनके जब अपने कोई मर जाता था, मुर्दे वगैरह होते थे, तो अंदाजा लगाया जाता है ये उन मुर्दों को जलाते थे। और वहां पर सिर्फ चार ही लाशों के ढांचे मिले हैं जो के सजदे की हालत में मिले हैं, और उसके साथ साथ हैवानों के लाशों के ढांचे भी वहां पर मिले हैं। माहिरीन के हिसाब से जो यहाँ के जो कदीम लोग थे, ये संग तराशी का काम भी करते थे, और इसका अंदाजा इस चीज से लगाया जाता है कि जो वहां पे तालाब था और उसके एक तरफ और दूसरी तरफ जो पत्थर थे उन पे शिकार किया हुआ हिरन उन्होंने कुरेद के तराश करके बनाया हुआ था। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ रहा है ना? तो बुरजहामा के कदीम आसार के जो बाज इस वक्त जो आसार वहां से मिले बुरजहामा से, वो इस वक्त कोलकाता के अजायब, जो कौमी अजायब घर है वहां पर इस टाइम रखे गए हैं। और इन आसार से कश्मीर की कदीम तरीन तहजीबी जिंदगी और लोगों के रहन सहन वगैरह का इल्म होता है। तो बच्चों, इस सबक से हम ये सीखते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि कदीम जमाना तो था, लेकिन हम कश्मीरियों का कदीम जमाना कहाँ पे था, क्या किस जगह पे था, उसी जगह के बारे में आज मैंने आपको बताया। वो जगह बुरजहामा है, जहां पर हमारे बुजुर्ग वहां पर बस्ती जो थी वो वहीं पे थी। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप अच्छे से पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अगला मौजू लेके मैं फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।